तो आज हम बिना दाल चावल भिगोए लाइव ढोकला बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसी के साथ हम टेस्टी वाली एक लाल चटनी भी रेडी करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम एक कटोरी बेसन लेंगे। एक कटोरी बेसन के साथ एक कटोरी सूजी लेंगे और एक कटोरी चावल का आटा लेंगे। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट जो है वो हमारे किचन में आसानी से अवेलेबल भी होते हैं और तीनों इंग्रेडिएंट को हमें समान मात्रा में लेना है। एक कप खट्टा वाला दही लेंगे और सभी को हमें अच्छे से मिला लेना है। बाकी ज़रूरत के हिसाब से हम पानी ऐड करते जाएंगे। और बिना गुठली का मुलायम खीरा हमें रेडी करना है। बहुत ज़्यादा पानी पहले से ऐड नहीं करना है, हल्का सा हम इसे थिक रखेंगे। तो कुछ इस तरह से हम मिलाते हुए अच्छा मुलायम खीरा जो है वो रेडी कर लेंगे। साइड को कर लेंगे हम क्लीन और इसे कवर करके 5 से 6 घंटे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप जल्दबाजी में हैं, तुरंत ही इसके ढोकला बनाना चाहते हैं तो तुरंत भी इसके ढोकला बना सकते हैं। 5 से 6 घंटे के बाद अच्छा खासा बैटर जो है वो फूल चुका है और खट्टापन भी अच्छा आ चुका है इसमें। ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है, फर्मेंट हो गया है खीरा हमारा। तो रेगुलर दही का यूज़ हम ना करें और खट्टे दही का इस्तेमाल करें तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाती है। तो खीरा जो है वो रेडी हो चुका है ढोकले के लिए। आप देख सकते हैं प्रॉपर फूल भी गया है, अच्छी खासी थिकनेस और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। तो चलिए अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और सभी को हमें अच्छे से मिला लेना है और ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करके हमें इसे हल्का सा डाइल्यूट करना है क्योंकि ये अभी बहुत ही गाढ़ा है खीरा। तो शादियों में या फिर बाज़ार में हम बहुत बार लाइव ढोकला जो है वो खाते हैं, इसके साथ चटनी मिलती है वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस और टेस्टी है। अब हम खलबट्टे में अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट रेडी कर देंगे। आपको कितना तीखापन पसंद है उस हिसाब से हरी मिर्च ले और छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 1 टीस्पून नमक ऐड करके सभी को हम क्रश कर देंगे। नमक ऐड करने से मिर्च या अदरक जो है वो फटाफट से क्रश हो जाते हैं। तो एक प्लेट जितना ढोकले का खीरा हम अलग कर लेंगे और इसमें अब हम 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और ये जो अदरक हरी मिर्च की पेस्ट हमने रेडी की थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। चुटकी भर इसमें हींग और चुटकी भर हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे। जिस प्लेट में हमें ढोकला स्टीम करना है वो प्लेट को हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है। 1/4 टीस्पून हम इसमें इनो ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सोडा भी ऐड कर सकते हैं। सभी को हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स और जैसे ही सोडा एक्टिव हो जाए खीरा जो है वो फूल जाए। इस बैटर को हम ढोकले की प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऊपर से काली मिर्च का पाउडर या फिर लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करें और गरम स्टीमर में इस तरह का धुआंदार स्टीमर होना चाहिए। इसमें हम 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पर इसे स्टीम कर देंगे। तो चलिए तब तक हम चटनी रेडी कर लेंगे। जिसके लिए खलबट्टे में 5 लहसुन की कली, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और खलबट्टे में हमें इसे सेमी क्रश कर लेना है। तो ये प्रोसेस को अगर आप चाहे तो मिक्सर के बर्तन में भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह से क्रश किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये पेस्ट को हमें एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेना है। 1/4 कप दही लेंगे और 3 टेबल स्पून तेल ले लेंगे। सभी को कर लेना है अच्छे से मिक्स। जैसे ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए देन ये कढ़ाई को हम गैस के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। कई बार क्या होता है अगर हम डायरेक्ट ये गैस के ऊपर तेल में चटनी डालते हैं तो तेल के गर्म होने के कारण दही फट जाती है या फिर लाल मिर्च पाउडर जो है वो जल जाता है। अगर इस तरह से आप चटनी रेडी करेंगे तो चटनी का टेस्ट प्रॉपर आएगा, बिल्कुल भी जला हुआ मिर्च का टेस्ट नहीं आएगा। इसे कवर करके हमें लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट पकाना है और चटनी जो है वो उसके बाद रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह की चटनी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। इसे हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। जो हमने ढोकला स्टीम किया था वो ढोकला भी अच्छे से स्टीम हो चुका है, अच्छे से फूल गए हैं ढोकले। जब ढोकले गर्म हो उसी वक्त इसके ऊपर मूँगफली का तेल हम अप्लाई करेंगे। मूँगफली का तेल ढोकले के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और जो शेप में आप
जिसको इसे कट करना है वो शेप में इसे कट करे, चटनी के साथ एंजॉय करे। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।